सेगमेंट राउटिंग, तो सेगमेंट राउटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं नीड ऑफ डिस्कस क्या करेंगे, व्हाट इज सेगमेंट राउटिंग, सेगमेंट राउटिंग क्या है। तो सेगमेंट राउटिंग से डिस्कस करने पहले कि भाई क्या है, कैसे वर्क करती है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नीड, इसकी नीड क्या है, नीड ऑफ एसआर, नीड ऑफ सेगमेंट राउटिंग। स्विफ्ट चलाऊंगा, इसे मैं एलडीपी चलाऊंगा, ठीक है, स्विफ्ट आईजीपी चलाऊंगा, एलडीपी चलाऊंगा, एमपीपीजीपी चलाऊंगा, दैट्स फाइन, ठीक है। एलडीपी के दल से क्या होता था, ये आपके लेबल एक्सचेंज होते थे कि R1 पे जो भी जितने भी प्रीफिक्स हैं, या फिर R2 पे जितने भी प्रीफिक्स हैं, R3 R4 पे जितने भी प्रीफिक्स हैं, उन सब के लिए लेबल जनरेट होता था, और वो आपस में क्या करते थे, शेयर करते थे विद हेल्प ऑफ एलडीपी। ओके, तो ये लेबल अपने एक्सचेंज भी करते थे, रिमोट लेबल, लोकल लेबल, आपको पता होगा, याद होगा। ओके, गॉट इट। तो आप एम विद द हेल्प ऑफ एसआर भी सेम टास्क करवा रहे हो, सेगमेंट राउटिंग से भी आप सेम टास्क करवा रहे हो, बट तो नो नीड ऑफ एलडीपी, आपको एलडीपी की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो आप ऐसे सेगमेंट राउटिंग इधर परफॉर्म कराओगे, आपको एलडीपी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके, तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो एक प्रोटोकॉल को कम कर दिया, भाई आपको एडिशनल प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत नहीं है एलडीपी। ओके, ऐसे ही अगर आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग करवानी है, ठीक है, एम प्लस टी ई कराना है, तो एम प्लस टी ई के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, आरएसवीपी। आप विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट राउटिंग ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एमपीएलएस, विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट राउटिंग आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हो। तो अर्लियर क्या होता था एमपीएलएस में, विदाउट सेगमेंट राउटिंग आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए आरएसवीपी की हेल्प लेते थे, ठीक है, इससे सपोर्ट मांगते थे इस प्रोटोकॉल से, अब इसकी कोई नीड नहीं है। तो भाई हमने क्या किया, सबसे पहले तो लेबल जनरेट के लिए जो एलटीपी था ना, उसको राउटर से हटा दिया, ये लो एलटीपी गया, सेकंड आरएसवीपी हटा दिया, किसने हटाया, सेगमेंट राउटिंग है, ठीक है। सेगमेंट राउटिंग आने के बाद इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम सेगमेंट राउटिंग कर सकता है, तो हमारे राउटर पे देखो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन होने से बच गई ना, ठीक है, एलडीपी की कॉन्फ़िगरेशन बच गई, आरएसवीपी की कुछ कॉन्फ़िगरेशन बच गई, ये ओवरहेड ही तो थे, मेरे राउटर के ऊपर से ओवरहेड कम हो गया ना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक कमांड डाल देते, भाई एलडीपी चलता था, एलडीपी अगर आप इधर एलडीपी चला रहे हो तो आपको एलडीपी मतलब आईजीपी एलडीपी सिंक की कॉन्फ़िगरेशन करती थी, ऐसे ही आरएसवीपी आप चला रहे हो तो उसका भी आईजीपी के साथ सिंक होना होता था, तो कई सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है, कई सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी एलडीपी में। अगर आप फिल्टर कि भी आप नहीं चाहते कि मैं इस आप नहीं चाहते कि भाई इस सेगमेंट के लिए मैं फिल्टर लेबल जनरेट करूँ, लेबल शेयर करूँ, जनरेट करूँ, ठीक है, तो उसमें आपको लेबल फिल्टर लगाने पड़ते थे, जिसमें फिर आप फिर ACL आप क्या करते थे, लेबल फिल्टर को अलोकेट होने से मतलब सेव कर देते, ठीक है, अलोकेट नहीं कर देते, भाई आप पे बोलते थे कि मुझे इस प्रीफिक्स के लिए लेबल चाहिए, ठीक है, तो लेबल फिल्टर लगा देते थे किसमें, एलडीपी में, तो एलडीपी की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, टीई में आरएसवीपी, तो ये क्या ओवरहेड थे, ठीक है, ओवरहेड किसकी वजह से कम हो गए, आपके सेगमेंट राउटिंग की वजह से, ठीक है। जैसे ही मार्केट में सेगमेंट राउटिंग आया तो इसने बोला, भाई एक काम करो, इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रहे हो राउटर पे, मैं हूं ना, कर तो रहा हूँ, ठीक है, ओवरहेड कम हो गया हमारा किसके, राउटर से। अच्छा, एक चीज और है, पहले क्या होता था, जब कोई एलडीपी है ना, देखो सपोज करो, मैं एक और डायग्राम से क्लीन करता हूँ, ठीक है, एलडीपी चला हुआ, सपोज करो इस पे कितने 50 प्रीफिक्स हैं आपके, इस पे 100 है, ठीक है, इस पे 50 है, और इस पे है आपके R1 पे 200, ये R1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। एलडीपी क्या करता था, अगर इसके पास 50 प्रीफिक्स है ना, तो 50 प्रीफिक्स के लिए 50 लेवल, ठीक है, R3 क्या होता है, 100 के 100 लोकल, अपने लोकल लेवल जनरेट करता था, R4 अपने लेब प्रीफिक्स जितने भी उसके राउटर जोन में लुकअप होंगे सबके सबके साथ
वेरिएबल जनरेट कर देता हूँ, ठीक है, इसका 200 डीजीपी को छोड़ दो भाई, ठीक, आईजीपी जितने भी फिक्स होंगे आईजीपी के स्टैटिक आउटकम सबके लिए लेबल जनरेट होते थे, और वो शेयर भी होते थे तो। बट एलडी, और फिर आप क्या करते थे कि भाई 200 है ना, ये सपोज करो 50 है, आपको जरूरत थी भाई 10 लेबल की, फिर 40 10 को फिल्टर करवाते थे कि भाई मुझे 10 के लिए लेबल जनरेट कराने हैं सिर्फ, तो आप लेबल फिल्टरिंग करते थे इसमें एलडीपी में। लेकिन असाइनमेंट राउटिंग में ऐसा नहीं है, सेगमेंट राउटिंग में ऐसा नहीं है कि भाई आपने इस राउटर पे सेगमेंट, आपने इन चारों राउटर पे सेगमेंट राउटिंग इनेबल की थी, तो इन जितने भी इसमें प्रीफिक्स है उन सबके लिए लेबल जनरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है अभी। तो सेगमेंट राउटिंग में बोला भाई देर इज नो नीड ऑफ एलडीपी, नो नीड ऑफ एलडीपी RSVP, ठीक है, आप किससे करोगे लेबल जनरेट, आप कौन करेगा, हु विल जनरेट लेबल्स, वो करेगा एसआर, सेगमेंट राउटिंग। इसमें कौन करेगा, ऐसा है जो आपके प्रोटोकॉल होते हैं ना ओएसपी फाइव साइज, उनका ना एक्सटेंशन होता है, तो यही लेबल जनरेट करते हैं, ठीक है, ओएसपीएफ के अंदर ही कॉन्फ़िगरेशन करोगे सेगमेंट राउटिंग की, और आईएसएस के अंदर अगर आपके पास ओएसपीएफ चल रहा है फिर आईएसएस चल रहा है, तो इन्हीं के अंदर आप सेगमेंट राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करोगे। और अब जैसे ही ओएसपीएफ फिर आईएसएस से प्रीफिक्स एक्सचेंज होंगे तो उनके साथ में लेबल भी एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है, उनके साथ में लेबल भी एक्सचेंज हो जाएंगे। तो एसआर ने क्या किया कि भाई ये सबसे पहले तो प्रोटोकॉल एडिशनल जो प्रोटोकॉल था वो हटा दिए, दूसरा ये कि एप्लीकेशन अवेयर, एप्लीकेशन अवेयरनेस है इसमें, ठीक है, एप्लीकेशन अवेयरनेस, एप्लीकेशन अवेयरनेस का मतलब ये कि कोई आपकी एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, और उसके कुछ एक पाथ में क्या आ रहा है, कुछ ड्रॉप आ रही है, तो उस पाथ को वो चेंज ऑटोमेटिक कर ले, ठीक है, दूसरे पाथ से चला जाए। तो हमारे पास कुछ ऐसे कंट्रोलर होते हैं, एसडीएन कंट्रोलर, जो आपके नेटवर्क में अगर कोई किसी सपोज करो कोई ट्रैफिक चल रहा है किसी एप्लीकेशन का, वो किसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और उस पाथ में कहीं ना कहीं बीच में इशू आ रहा है, कंजेशन आ रहा है, तो वो एप्लीकेशन अवेयर मीन्स वो पाथ ऑटोमेटिक दूसरे पाथ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, जहां पर भी आपका कोई कंजेशन ना हो, कोई ड्रॉप ना आए, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन अवेयरनेस। तो विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट राउटिंग आप ये एप्लीकेशन अवेयरनेस में इसमें अचीव कर सकते हो, ठीक है, और जो बाकी के अच्छा एक चीज और है, सपोर्ट IPv6, ठीक है, IPv6 को भी सपोर्ट कर दो। IPv4 में तो क्या होता है, ये OSPF IIS का एक्सटेंशन यूज करते हो, लेकिन जब आप IPv6 यूज करोगे तो इसी का एक्सटेंशन है, ठीक है, उधर फिर इनका यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप IPv6 का एक्सटेंशन यूज करोगे, फिर कितना ओवरहेड कम हो जाएगा फिर तो, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, आई होप ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हाउ डज सेगमेंट राउटिंग वर्क, सेगमेंट राउटिंग वर्क कैसे करते हैं, लेबल जनरेट कैसे करते हैं, बीच बॉक्स या फिर ट्राइज ऑटोमेटिकली असाइन ए ब्लॉक ऑफ लेबल्स ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड SRGB, SRGB मतलब सेगमेंट राउटिंग ग्लोबल ब्लॉक। तो ये क्या होता है, SRGB क्या होता है, तो जो भी आपका जैसे वो मेरे टोपोलॉजी का अब 1, 2, 3, 4 पे क्या करने वाले थे, एम प्लस ये सेगमेंट राउटिंग इनेबल कर रहे थे, ठीक है, जैसे अपने सेकेंड वाले राउटर पर आप इनेबल करोगे तो जो भी जो डिवाइस है ना इसके पास एक लेबल होगा, ठीक है, इसके पास लेबल्स होंगे ना भाई, एलडीपी तो खुद से लेबल जनरेट कर देता है, इसके पास जो लेबल होंगे ना सेगमेंट राउटिंग में वो कहाँ से लिए जाएंगे, वो लिए जाएंगे SRGB से,
SRGB से। SRGB क्या है, एक रेंज, इसमें रेंज होती है किसके लिए, बस किसकी रेंज क्या होती है, 16,000 से लेके 23,999 तक। ठीक है, तो कहाँ से लेगा, SRGB की रेंज होती है, SRGB रेंज 16,000 to 3,999। ठीक है, 999 इतनी होती है। तो यहाँ से वैल्यू, यहाँ से आपके लेबल्स एलोकेट होंगे। ठीक है, यहाँ से आपके लेबल्स एलोकेट होंगे। और जैसा कि अभी मैंने बताया था, अगर आपके पास R2 पे, ये R1 R2 जो भी राउटर है, इनके पास जितने नंबर ऑफ प्रीफिक्स हैं उन उतने ही आपके नंबर ऑफ लेबल्स होते थे। लेकिन सेगमेंट राउटिंग में ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक लेबल मिलेगा। ठीक है, SRGB से एक लेबल उठाया जाएगा, एक लेबल उठाया जाएगा, और वो सीधे किसके साथ मैपिंग की जाएगी, उसके लूप बैक के साथ। तो यहाँ से सपोज करते हैं, एक लेबल मैंने ले लिया 16,000। ठीक है, और ये इसकी मैपिंग की जाएगी 16,000 की, किसके साथ की जाएगी, एक लूप बैक के साथ, इसके लूप बैक के साथ। ठीक है, अब इस 16,000 को आप अपने नेटवर्क में कहीं और यूज नहीं करोगे, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, आप राउटर पे जाके देख भी सकते हो कि कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं कर अवेलेबल, तो उसकी कमांड होती है। ठीक है, वो बता देगा आपको भाई, ये जो लेबल है वो कहीं और भी डिफाइंड है। ऐसे ही इसका भी कोई एक लूप बैक होगा। ठीक है, उस लूप बैक को इसके sRGB में से एक वैल्यू उठा के दोगे। ठीक है, और जो भी वो लेबल होगा ना, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स्ड, प्रीफिक्स्ड प्रीफिक्स सेट बोलते हैं, प्रीफिक्स सेट बोलते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स सेट या फिर नोड सेट, भाई उस नोड का लेवल हो गया। ठीक है, उस नोड का रिप्रेजेंट वो लेवल ही करेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई लूप बैक बना हुआ है इस R2 पर, ठीक है, R2 पर एक लूप बैक बना हुआ है 20 रो 20 रो 20। ठीक है, 20 रो 20 एक लूप बैक बना हुआ, और इसके अपने मैपिंग करा दी 16,000 के साथ। ठीक है भाई, 16,000 वैल्यू अलोकेट होगी इसकी। ठीक है, अब जो इस R2 है ना, इस लेवल से जाना जाएगा, R2 इस लेवल से जाना जाएगा। ठीक है, R2 इस लेवल से जाना जाएगा। वैसे ही R3 पे कोई लूप बैक होगा, उस लूप बैक की बाइंडिंग करोगे, तो R3 को रिप्रेजेंट कौन करेगा, दैट लेवल। ठीक है, जो आपने असाइन किया है। अच्छा, जो लेवल होता ना, ये लेबल जो असाइन करोगे आप, एक इंडेक्स वैल्यू होती है ये लेबल ना, ये जो सेड है, वैल्यू सेट है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। जो आपका ये प्रीफिक्स सेट है, राउटर को रिप्रेजेंट कौन करता है, प्रीफिक्स सेट। ठीक है, जो प्रीफिक्स सेट है, क्या है आपका, ये है आपका sRGB वैल्यू, इसमें इंडेक्स। देखो, जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती थी इसके लेबल की। आप sRGB वैल्यू के साथ कराना चाहते हो, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू देना चाहते हो। एब्सोल्यूट वैल्यू दोगे तो इस फॉर्मूले के कोई नीड नहीं है। ठीक है, वो आप फाइनल करके दोगे। अगर आप बोलते हो कि भाई मैं तो इंडेक्स करके दे रहा हूँ, तो सपोज करो आपने क्या किया, ठीक है, ये पहला मेरा राउटर है, इंडेक्स इसका ले लिया 1, तो ऑटोमेटिक इसमें क्या कर देगा, 16,000 ऐड कर देगा। ठीक है, 16,001 हो जाएगा। ठीक है, आपका इंडेक्स कितना है, 2, तो इसमें 16,000 ऐड कर देगा, तो कितना हो जाएगा, 16,002। ठीक है, वैसे होता है। और एब्सोल्यूट में आप वैल्यू टोटल करके दोगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए, कोई एक्सेल शीट होनी चाहिए, कि यहाँ पे जहाँ मैं बता सकूँ, मेरा आर वन को मैं इंडेक्स ये दे रहा हूँ, R2 का इंडेक्स ये है, R3 का इंडेक्स ये, R4 का इंडेक्स ये, और उनकी सेट वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, सेट वैल्यू, फिर प्रीफिक्स सेट, फिर नोड सेट, उसी को बोलते हैं। और क्योंकि ये जो 16,000 वाला है ना, ये ग्लोबल रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर R2 अपना 16,001 बताता है, तो ये ग्लोबली रिप्रेजेंट होगा। R3 को भी दिखेगा, R4 को भी दिखेगा, R1 को भी दिखेगा। ठीक है, और भी अगर करोट है तो उनको भी दिखेगा, ग्लोबली रिप्रेजेंट। ग्लोबली रिप्रेजेंट। और ये sRGB वैल्यू है ना, ये बाय डिफॉल्ट वैसे सेम रहती है,
और सेम ऐसा रिकमेंड भी किया जाता है कि आप सेम ही रखो, 16,000 से लेकर 23, इसको चेंज ना करो। चेंज करोगे तो बस हर जगह सेम रखो, हर जगह सेम रखो। एलटीपी सेगमेंट राउटिंग में क्या करता है, एलटीपी क्या करता था, 1:1 मतलब कि भाई जितने प्रीफिक्स उतने नंबर ऑफ लेवल, ठीक है। लेकिन सेगमेंट राउटिंग में ऐसा नहीं है, वो उसमें पर लूप बैक, ठीक है। आपने जो लूप बैक मैनुअली बाइंडिंग करनी पड़ेगी आपको उस लेवल के साथ, ठीक है, इतना जनरेट होगा। मतलब बीच वाले ट्रांज उसमें ये अपना ट्रांजिट लिंक तेरा, इसके लिए कोई लेवल लेवल जनरेट नहीं होता। ठीक है भाई, एलटीपी पे तो इस लिंक के लिए भी, ये बीच में लिंक करा R2 R3 के बीच में, इनके लिए भी लेबल जनरेट होता था, लेकिन सेगमेंट राउटिंग में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इनकी कोई जरूरत ही नहीं है ना, सीधे वो लूप बैक के लिए आप मैनुअल बाइंडिंग कर रहे हो, इनकी जरूरत ही क्या है। अगर मेरा L3 वीपन चल रहा है, सपोज करते हैं L3 वीपन चल रहा है, ठीक है, तो ट्रैफिक कहाँ जाएगा, इस P1 पे जाएगा, और P1 से कहाँ जाएगा, सीधे एज राउटर पे जाएगा, ठीक है। इसी का तो लेबल चाहिए मुझे, बीच वालों को लेवल चाहिए, नहीं चाहिए ना बीच वालों को लेवल, भाई इसका लेवल चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, इसका चाहिए नहीं चाहिए, इस लिंक का चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे किसका चाहिए, सीधे P2 का चाहिए, जो भी नेक्स्ट P है उसी पर तो जाएगा ट्रैफिक, ठीक है। तो इनका चाहिए ही नहीं मेरे को, सेगमेंट राउटिंग की हेल्प से आप ये टास्क अचीव करते हैं। अच्छा, एक होती है प्रीफिक्स सीड, एक होती है एडजेसेंसी सीड। देखो प्रीफिक्स सीड, अगर आप नॉर्मल असाइनमेंट डॉटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपको प्रीफिक्स सीड दिखाई देगी, लेकिन आप एडिशनल कुछ एमपीएस टीई कर रहे हो तो आपको एडजेसेंसी सीड दिखाई देगी, ठीक है। एडजेसेंसी सीड का पिक्चर में जब आपको एमपीएस टीई आ रहा हो, एमपीएस टीई आ रहा हो, ये एक राउटर है, ये एक और राउटर है, आप नॉर्मल आपने क्या भाई एमपीएस, वो अपने एमपीएस नहीं अपना सेट, अपने सेगमेंट राउटिंग कॉन्फ़िगर करके पहुंचे R1 R2 R3 R4, ठीक है, ये R5। आप बोलोगे मैं ये नीचे वाले पार्ट से लेके जाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या भाई, ये एडजेसेंसी सेट है, ठीक है। 1 से 2 पे गए, ये आपका sRGB वैल्यू लगा हुआ है, 2 से 5 पे गए, इस लिंक की इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, बीच वाले लिंक, इस लिंक की इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। इस लिंक की इन्फॉर्मेशन क्या आती है, ये कहा था एडजेसेंसी सेट में लिंक की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, ठीक है। इट इज द केस ऑफ एमपीरिस टी। अच्छा, मैं इसकी अब लैब कराता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसकी लैब कराता हूँ, ठीक है। आप कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे सबसे पहले ओएस पे फिर आईएसआर देखेंगे, ओएस पे फिर सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, कस्टमर पे क्या देखोगे, इम्प्लिसिटल एक्सप्लिसिटल की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, और भी दुनिया भर की चीज़ें हैं वो सब हम ये असाइनमेंट राउटिंग के पार्ट 2 में देखेंगे। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।